आयोग के सदस्य श्री डॉक्टर बी के पॉल जी, एम श्री सिकेश के अध्यक्ष प्रोफेसर समीरन नंदी जी, एम श्री सिकेश की कार्यपालक निर्देशक प्रोफेसर मीनू सिंह जी, गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अभिभावकों और यहाँ उपस्थित प्रतिभागीवान विद्यार्थियों, आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्तर की शिक्षा और सेवा प्रदान करना एम्स ऋषिकेश सहित सभी एम्स संस्थानों की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। टीचिंग हॉस्पिटल्स के रूप में एम्स संस्थानों ने सर्वश्रेष्ठ मापदंड स्थापित किए। इसके लिए मैं एम्स संस्थानों से जुड़े सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके साथ के अनेक विद्यार्थियों का ये सपना रहा होगा कि वे डॉक्टर बनेंगे। उनमें से आप जैसे कुछ विद्यार्थियों ही ये सपना पूरा कर पाए हैं। अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर आपने ये सफलता अर्जित की है। आप सबने एम्स ऋषिकेश जैसे अग्रणी संस्थान से डिग्री प्राप्त करके स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाए हैं। इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के विद्यार्थियों में छात्राओं की कुल संख्या 60% से अधिक है। पिछले सप्ताह मेरी मुलाकात इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारियों के नई बैचेस से हुई है थी। उन अधिकारियों में भी लगभग 60% संख्या महिला अधिकारियों की थी। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े नीति निर्धारण से लेकर टर्शरी हेल्थ केयर जैसे क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी एक बहुत बड़ी और अच्छे सामाजिक बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत करती है। बेटियों की भागीदारी और सफलता के लिए मैं एम्स ऋषिकेश सभी छात्राओं के परिवारजनों और सभी बेटियों को विशेष बधाई देती हूँ। ये भी एम्स ऋषिकेश के लिए और पूरे समाज के लिए गर्व की बात है कि इस दीक्षांत समारोह में पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। देवियों और स्वजनों, हमारे देशवासियों के लिए एम्स का मतलब होता है सबसे अच्छे डॉक्टर द्वारा इलाज होना, सबसे अच्छा इलाज और कम से कम खर्च में इलाज होना ही एम्स की पहचान है। एम्स के इलाज का फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिले तथा और अधिक संख्या में आप जैसे मेधावी विद्यार्थियों एम्स में शिक्षा प्राप्त कर सके, इन उद्देश्यों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञानी संस्थान की स्थापना की जा रही है। लगभग एक दशक की अपनी विकास यात्रा द्वारा एम्स ऋषिकेश ने अपनी अच्छी पहचान बना रही है। कम समय में ही प्रचुर प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए अतीत और वर्तमान में एम्स ऋषिकेश से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। सर्वे संतु निरामया, यानी सभी लोग रोग मुक्त हो, ये हम लोगों की पारंपरिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना में निहित आदर्शों को एम्स ऋषिकेश ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्यों के रूप में अपनाया है। आपका ध्येय वाक्य है विश्व रोगों ही धर्म न हो। पूरे विश्व को सुस्वस्थ तथा रोगमुक्त बनाना हमारा धर्म यानी आदर्श है। पूरे विश्व का आरोग्य सुनिश्चित करने से के मूल में वसुदेव कुटुंबकों का सद्विचार निहित है। मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी अध्यापकगण, विद्यार्थियों, डॉक्टर्स और नर्सेस अपने संस्थान के इस ध्येय वाक्य को ही निजी जीवन में और प्रोफेशनल करियर में भी अपना ध्येय वाक्य मानेंगे। देवियों और स्वजनों, आयुर्वेद सहित भारतीय परंपरा की उपचार पद्धतियों के लिए
उत्तराखंड में अनेक लोकप्रिय स्वास्थ्य केंद्र सेवारत है। एम्स ऋषिकेश के एलोपैथी के साथ साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों द्वारा भी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मैं चाहूँगी कि व्यापक स्तर पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हुए उत्तराखंड की इस देवभूमि की ख्याति आरोग्य भूमि के रूप में भी स्थापित हो।